700 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी कामठी रोड पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अटका हुआ था, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा जमीन अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद अब इस फ्लाईओवर के निर्माण में आने वाली बड़ी परेशानी खत्म हो गई है। इसके पहले दिसंबर महीने में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा दिलाया था कि जल्द से जल्द जमीन अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाएगी। माना जा रहा है कि प्रोजेक्ट की अहमियत को देखते हुए फडणवीस ने फाइल को मंजूरी दिलाने में अहम भूमिका निभाई है और अब जल्द ही इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। नागपुर के एलआईसी चौक के आगे से शुरू होने वाले इस फ्लाईओवर के लिए 2017 में प्रस्ताव दिया गया था और 2018 से निर्माण कार्य शुरू है। 4.5 किलोमीटर लंबाई वाले इस फ्लाईओवर के बनते ही नागपुर में एक नया कीर्तिमान बनेगा, क्योंकि इस मार्ग में 4-लेयर यातायात की सुविधा है जो देश में अब तक कहीं नहीं है। शुरुआत में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य तेज गति से जारी रहा, लेकिन जमीन अधिग्रहण की फाइल अर्बन डेवलपमेंट विभाग के पास अटकी होने से फ्लाईओवर के निर्माण को ग्रहण लग गया। इस बीच कई बार प्रस्ताव नागपुर से मुंबई गया और अटक गया और अब लंबे इंतजार के बाद नागपुर के लोगों को इस फ्लाईओवर को लेकर खुशखबरी मिली है। जानकारी के अनुसार इस फ्लाईओवर की लैंडिंग के लिए प्रशासन को 2701 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण करना है और इस कार्य के लिए लगभग 50 करोड़ 75 लाख की लागत आ सकती है। अब जबकि नागपुर के जिलाधिकारी को बतौर जमीन अधिग्रहण अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही जमीन अधिग्रहण से जुड़े कार्य पूरे कर लिए जाएंगे और जल्द ही इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद नागपुर शहर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा।